हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं श्रद्धा आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर से एक नई रेसिपी लेके आई हूँ जिसे बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें जिससे कि आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नवरात्र के व्रत में खाने के लिए आज हम बहुत ही टेस्टी रेसिपी लेके आए हैं। हमने यहाँ पर लगभग 500 ml के करीब दूध ले लिया है। दूध को गर्म होने के लिए रख देते हैं। अच्छे से साफ करके हम यहाँ पर एक सेब लेंगे, सेब को छील लेते हैं क्योंकि हम इस रेसिपी को सेब से बनाएंगे। हम यहाँ पर खीर थोड़ी सी बना रहे हैं इसलिए हमने एक सेब लिया है। अगर आप खीर की क्वांटिटी ज़्यादा रखना चाहते हैं तो यहाँ पर दो सेब ले सकते हैं। इधर दूध में भी उबाल आ गया है, हम दूध को लो फ्लेम पर चलाते हुए पकाएंगे क्योंकि हमें दूध को गाढ़ा करना है। खीर बनाने में हम मावे का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे इसलिए हम दूध को गाढ़ा करते हैं। अब हम सेब को कद्दूकस कर लेते हैं। आप यहाँ पर बारीक वाले ग्रेटर से ही ग्रेट करिएगा। हमने सेब को कद्दूकस कर लिया है, यहाँ पर दूध भी गाढ़ा हो रहा है। हम दूध को बीच बीच में चलाते रहेंगे। इधर हम दूसरी गैस पे फिर से एक पैन ले लेते हैं। हमें सेब को लो फ्लेम पर भून लेना है। गैस की फ्लेम को लो पर ही रखेंगे। हम सेब को तब तक पकाएंगे जब तक कि यह सेब गल ना जाए और इसका कलर चेंज ना हो जाए। सेब को चलाते हुए बीच बीच में हम ढकते रहेंगे, इससे सेब पकने में आसानी होगी। धीरे धीरे आप देखेंगे कि इसका कलर चेंज होने लगा है। सेब पक गया है, इसमें हम 4 से 5 चम्मच चीनी ऐड कर लेते हैं। आप यहाँ पर मीठा अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करिएगा। हम सेब की खीर को चलाते हुए पकाएंगे क्योंकि अब चीनी पड़ गया है तो यह तली में बहुत जल्दी जल्दी लगेगा। थोड़ी थोड़ी देर पर हम इसको ढकते रहेंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। यहाँ पर सेब हमारा पक गया है, सेब का कलर चेंज हो गया है। हमने जो दूध गैस पर रखा था वो भी गाढ़ा हो गया है। अब हम सेब को इसी दूध में ऐड कर लेते हैं। गैस की फ्लेम को मीडियम पर कर एक उबाल आने देते हैं। यहाँ पर उबाल आ गया है, फिर से हम गैस की फ्लेम को लो पर कर देते हैं। यह सेब की खीर बहुत ही टेस्टी होती है और टेस्टी होने के साथ साथ यह हेल्दी भी होती है। खीर को एक बाउल में सर्व कर लेते हैं और ऊपर से कुछ ड्राई फ्रूट के साथ गार्निशिंग कर लेंगे। हमारा कम समय में बनने वाला नाश्ता तैयार है। एक बार आप भी इस खीर को बनाकर ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि आपकी खीर कैसी बनी है। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और नई नई रेसिपी बनाते रहें, खाते रहें।